छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान प्रक्रिया होने के बाद भी भाजपा कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इस बीच शुक्रवार को भाजपा ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय रायपुर में शिकायत की है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बतौर कांग्रेस प्रत्याशी पाटन विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार थमने के बाद भी रोड शो करते नजर आए। भाजपा का आरोप यह भी है कि प्रचार पर रोक लग जाने के बावजूद 16 नवंबर को मुख्यमंत्री बघेल ने बाजे गाजे के साथ पाटन विधानसभा क्षेत्र में एक रैली व रोड शो का आयोजन कर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया। भाजपा ने मुख्यमंत्री बघेल की उम्मीदवारी रद्द कर अयोग्य घोषित करने और आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। और उनकी उम्मीदवारी खत्म हो, क्योंकि मुख्यमंत्री जैसे पद पर होते हुए जिन्होंने चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई है और उनके साथ जेड प्लस की सुरक्षा है, पुलिस के पहरे में अपने साथियों के साथ पूरे झंडे और ढोल ढमाकों के साथ जिन्होंने प्रचार प्रसार किया है, मतलब चुनाव आयोग का मजाक बना के रख दिया है, लोकतंत्र का मजाक बना के रख दिया है। ऐसे कृत्य करने वाले भूपेश बघेल की उम्मीदवारी खत्म की जाए और उनको 2 साल की कारावास हो, ये हम चाहते हैं, हम मांग की है। अभी उन्होंने कहा है कि मैंने उस समय तत्काल मैंने कलेक्टर से बात की थी, कलेक्टर ने कहा कि कोई का ऐसी मेरे को जानकारी नहीं है। मतलब वहाँ जो ऑब्जर्वर थे पाटन में, क्या सोए हुए थे ऑब्जर्वर? क्या कर रहे थे हमारे साथ? तो हर पल हर क्षण वहाँ के ऑब्जर्वर एक कैमरा लिए एक वीडियो लिए घूम रहे थे, वीडियो। लेकिन क्या भूपेश बघेल को झूठ दी गई थी? ये शक पैदा करता चुनाव आयोग ऊपर और इसमें तत्काल संज्ञान ले। अरे जो चोरी कर रहा है उसी को आप जांच में बिठा रहे, ऐसा कभी होता है क्या? और ऐसे बीजापुर की स्थिति अभी महेश भाई बताएंगे, क्या मजाक बना के रख दिया चुनाव को? हम भी 15 साल सरकार में थे लेकिन हमने कभी भी अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं किया, शालीनता पूर्वक चुनाव संपन्न हुए। मगर 5 साल के कार्यकाल में जिस तरह छत्तीसगढ़ को उन्होंने एक अपराध का अड्डा बना दिया, इस चुनाव के दौरान भी पता नहीं चुनाव आयोग को हम कठपुतली समझ कर लोग काम कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री का कृत्य दिख रहा है, यहाँ के कांग्रेस के नेताओं का कृत्य दिख रहा है, ये सब बर्दाश्त से बाहर है। और कम से कम चुनाव आयोग के ऊपर शक पैदा ना हो ताकि लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बना रहे, नहीं तो कल जाके अगर चुनाव आयोग के ऊपर लांछन लगा तो लोगों के मन से लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा जो है वो हट जाएगी और लोग मतदान करना बंद कर देंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप सबके माध्यम से दिल्ली के भी उस चुनाव आयोग में बैठे प्रमुख अधिकारियों से भी इसको तत्काल संज्ञान मिले और कार्यवाही करे। अभी मैडम ने कहा है कि हम उस पर संज्ञान में लेके उस पर जो भी कार्रवाई होगी अगर नहीं होगी तो हम न्यायालय के दरवाजे खटखटाएंगे, लेकिन हम इस तरह के कृत्य को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनता को हम विश्वास दिलाते हैं कि ऐसे लोगों को बर्दाश्त